तिलैया डैम स्थित ग्रिजली विद्यालय में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विज्ञान संकाय के छात्रों के लिए शुक्रवार को सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को IIT, NIT इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी से संबंधित मार्गदर्शन करना था। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर NIT जमशेदपुर के इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग के छात्र विकास कुमार एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के छात्र उदित कुमार शामिल हुए और छात्रों को सफलता की बातें बताई। छात्रों को जानकारी देते हुए दोनों वक्ताओं ने छात्रों को मौजूदा कॉलेज पाठ्यक्रम, उनके करियर संभावनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे आप सीमित संसाधन में रहकर IIT और NIT जैसे परीक्षा को पास करके उसमें नामांकन ले सकते हैं। उन्होंने छात्रों को बताया कि लक्ष्य निर्धारित करें, उसी के लिए एकाग्र या केंद्रित होकर तब तक उसमें लगे रहे जब तक वो आपको हासिल ना हो जाए। इसके अलावा उन्होंने छात्रों को ऐसे बहुत सी बातों की जानकारी दी जिससे कि छात्रों को परीक्षा में मदद मिल सके। इस अवसर पर कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्र जयेश लोहानी, ऋषि, दिनेश, प्रणव, अनिमेश, तान्या सिंह, अंजलि कुमारी, श्रेष्ठा देव, सोनाली कुमारी, आदिति चौधरी, आदित्य अरुण, इसराइल, अनुज कुमार, राहुल राज, हर्ष कुमार, कृष्णा कुमार, सिमरन कुमारी, भव्या, प्रिया, आकांक्षा सहित सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया और दोनों वक्ताओं से सवाल किए जिसका उन्हें जवाब मिला। इस मौके पर विद्यालय के CEO प्रकाश गुप्ता ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का संचालन स्टूडेंट सर्विस सेल के संयोजक सुधांशु कुमार ने किया। इस मौके पर विद्यालय के संयोजक विजय कुमार सिंह, शिक्षक संजीव कुमार जायसवाल, कामरान खान, नागेंद्र कुमार, स्वागता चक्रवर्ती, नागेंद्र सिंह समेत अन्य उपस्थित थे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।